अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका सबका। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत होंगे। तो जैसा कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाफ फ्रेम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये अभी हमारे पावर्ड के लेंस आए हुए हैं। ठीक है, ये फोटोक्रोमिक लेंस हैं। ठीक है, ये जो धूप में कलर चेंजेबल होते हैं, फोटोग्रे HMC 1.56। ठीक है, स्टैंडर्ड ये सबसे अच्छा ग्लास होता है इसमें। ठीक है, तो अभी ये वाली हमने ग्लासेस बनानी है। राइट का इसका नंबर है -1.75, लेफ्ट का है -2.25। तो चलें दोस्तों, इसको अभी हम आपके सामने इसका नंबर चेक करते हैं। नंबर चेक करने का भी तरीका मैं आपको आज बताऊंगा और बनाने का भी। ठीक है, राइट इसका 1.75 है, ये राइट 1.75 है। ये देखें दोस्तों, ये लेंस है ये जो आज हमारे पास आया है। तो चलें इसका नंबर चेक करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये पूरा 1.75 में इसका नंबर आ रहा है। इसका मतलब है ये ठीक है। तो इसको अभी हम राइट कर देते हैं इसके ऊपर। ये राइट हमारा क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा लेफ़्ट हम चेक करेंगे अभी। लेफ़्ट 2 है, लेफ़्ट भी बिल्कुल क्लियर है। इसके ऊपर हम लेफ़्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखें, आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि CNC कैसे बनती है। तो आज आपको मैं ऑटोमेटिक मशीन में काम करके बताऊंगा कि कैसे हम काम करते हैं। तो चलें इसको, इस वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करते हैं। ये हमने इसका पैटर्न निकाल लिया, ये जो इस फ्रेम में अपना लगा होता है, तो ये हमने निकाल दिया। अभी हम आएंगे इधर। ये देखें दोस्तों, ये ड्रिलिंग मशीन है। इसमें हमने इसको सुराख कर देंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमारे जैसा कि सुराख हो चुका है अभी इसमें। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी मशीन है दोस्तों। ये चेक करें, अगर मेरा कैमरा आपको फोकस इस चीज़ का करवा रहा है, तो ये हमारी मशीन है। ये अभी इसको हम ऑन करेंगे। ये देखें दोस्तों, तो इसके ये साइड पे ये पैटर्न की जगह बनी है। ये देखें, ये अभी इसमें मैं पैटर्न लगा रहा हूँ। ये चीज़, ये देखें दोस्तों, ये जैसा कि मैंने पैटर्न लगा दिया है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये उस ग्लासेस का पैटर्न है। और जबकि हमने ये राइट का शीशा उठा लेना है, ये जो शीशा हमने नंबर चेक किया था, और उसको हमने अभी इसमें लगाना है। ठीक है, जैसा कि अब मैं एक ये रबर उठा लेता हूँ, जिसकी वजह से ये शीशा चिपक जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये अभी इसके साथ चिपक गई है। ये अब हमने इसमें इसको फंसा देना है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी हमने फंक्शन ऐड करना है। ये देखें, ये प्लेन मोड बता रहा है, इसका एज मोड बता रहा है, शाइन मोड बता रहा है। इसको हमने प्लेन करना है, इसको शाइन विदाउट शाइन करना है। ठीक है, इसका साइज़ दे के इसको स्टार्ट कर देना है। ये अभी हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है, ये अभी मशीन ने बनाना शुरू कर दिया। ये देखें दोस्तों, ये दोस्तों एक साइड पे इसका पैटर्न घूम रहा है, दूसरी साइड पे इसका ग्लास बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये अब जैसे ही रेडी हो जाएगा, तो ये इस खुद ब खुद मशीन रुक जाएगी। ये दोस्तों अभी इसकी कटिंग हो रही थी, और ये अभी अपने इसको शाइन देने वाली साइड पे आ गया है। अभी इसको मज़ीद इसका साइज़ पूरा करेगा इस जगह में आके। जैसा
जैसा कि भाइयों हमारा शीशा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखें अभी हम इसको निकालेंगे, ये देखें हमारा शीशा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी ये इसका मैं आपको पैटर्न चेक करवाऊंगा। ये चेक करें दोस्तों, ये इसका पैटर्न है, ये बिल्कुल सेम इसकी इसने कॉपी बना दी है हमें। ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें इसका पैटर्न। अभी इसी पैटर्न को हमने लेफ़्ट साइड पे लगाना है, क्योंकि लेफ़्ट का भी शीशा है, इसको हमने उलट करके लगा देना है। ये हमारा हो गया पैटर्न, और ये अब हमने लगाना है इसको लेफ़्ट का शीशा। ये हमने इसको फंक्शन ऑलरेडी मैंने सारा फिट किया हुआ, अभी इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है, ये देख लें आप। ये सबसे पहले कटिंग करेगा, फिर इसकी फिनिशिंग देगा, फिर इसका साइज बनाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी बस ये तैयार होने के नज़दीक नज़दीक है, अभी बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ये देखिए ये इसका ऑटोमेटिक पानी आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, ऑटोमेटिक मशीन है, CNC। ये देखें दोस्तों अभी ये स्टॉप हो जाएगा खुद। तो जैसा कि हमारा ये ग्लास भी रेडी है अब, ठीक है दोस्तों। इसको हमने निकाल लेना है, ये देखें दोस्तों। ये अभी लेफ्ट का रेडी हो गया, तो ये मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये देखें ये अभी रेडी है इसके लिए, बिल्कुल सेम टू सेम साइज़ इसने बना दिया है इसका। तो जैसा कि अब हमने इसका आगे मज़ीद क्या करना है, क्योंकि ये हाफ फ्रेम है, ये देखें इसके अंदर हमने इसकी लाइन बनानी है। तो चलें मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वो कैसे बनानी है। इसको हमने रख देना इधर, ये देखें दोस्तों ये इसकी लाइन बनाने वाली मशीन है। इसको इसमें डाल के हमने स्टार्ट कर देना। इस पे पानी का स्प्रे लाजमी होता है भाई, जैसा कि एक ग्लास हमारा हो चुका है। अभी हम इसमें हमने लगाना है लेफ्ट, ये देखें दोस्तों। ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसका हमने क्या करना है दोस्तों, अभी इसको सिंपली हमने क्लॉथ के साथ अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ये देखें जैसा कि ये भी हो चुका है, जैसा कि अभी आपको
तो ये दोस्तों हमारा जैसे कि अभी रेडी हो गया बिल्कुल। ये देखें अभी ये हमने इसको फिट करना है। ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का आपने रैपर यूज़ करना है, रैपर, ठीक है। इसको आपने ऐसे बना के ऐसे डालना है, ये देखें, इसको ऐसे आपने फिट कर देना है। ये अभी हमारा लेफ़्ट वाला ग्लास अपनी जगह पे फिट हो चुका है। अभी ये राइट वाला डालेंगे हम, ये देखें, अभी ये राइट वाला भी हमारा ग्लास फिट हो चुका है। अभी हमारी ग्लासेस बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भाइयों, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिएगा, और हमारा पेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर पेश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।